FedEx flight 705. Positive rate. Gear up, please. A routine flight from Memphis, Tennessee to San Jose, California, USA. जो उसके फ्लाइट क्रू थे उनको शायद ही पता था ये बात कि उन्हें जल्दी ही फेस करना पड़ेगा अ डिटरमाइंड अटैक जो कि उन सब को मारने के लिए आतुर था. फ्लाइट 705 कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी. और बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसने रिवील किया एक मेटिकुलस प्लान एंड अ डेस्परेट मोटिव. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और इस शो जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की. ये शो जैसा कि आपके फीडबैक मुझे बता रहे हैं आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक यू ऑल फॉर लाइकिंग दिस शो एंड अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 1994 की एक घटना. 7th April 1994, FedEx की फ्लाइट 705 कैलिफोर्निया जा रही है और बहुत ही सुहावना दिन है उस दिन उड़ाने के लिए जहाज. Nines and twos here. सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बिहाइंड द कॉकपिट इन द गैली एरिया अ डिजास्टर इज जस्ट अबाउट टू अनफोल्ड. उस फ्लाइट के जो पायलट्स हैं वो कुछ ही सेकंड दूर हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कभी किसी ने पहले नहीं सुना था. He's had an attempted takeover. We need an ambulance and we need armed intervention. Let me up! April 7, 1994. फेडरल एक्सप्रेस जिसको हम सब जानते हैं फेडएक्स के नाम से, उनका वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर्स है मेम्फिस टेनेसी में. ये कंपनी जो कि 170 देशों से भी ज्यादा में ऑपरेट करती है और तकरीबन रोज के 2 मिलियन पैकेजेस जो डिलीवर करते हैं ये लोग, इट वर्क्स ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल. मेम्फिस एयरपोर्ट पे जो फ्लाइंग कंडीशंस है वो एकदम परफेक्ट है और फेडएक्स की फ्लाइट 705 जो है इज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ फॉर सैन होसे कैलिफोर्निया और उसमें 3 मेंबर्स का फ्लाइट क्रू है उस फ्लाइट में. Has the afternoon flight to San Jose got any jump seaters on it? None at all. 42-year-old Orban Calloway, जो कि एक फ्लाइट इंजीनियर है, वो भी चाहते हैं कि इसी फ्लाइट में वो हिच राइड कर लें और उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उनकी उसी वजह से वो इस फ्लाइट को बोर्ड करना चाहते हैं इन 3 फ्लाइट क्रू के साथ. Thanks. जो फेडएक्स के एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऐसी प्रिविलेज होती है कि वो फ्री राइड ले सकते हैं किसी भी प्लेन में और उनको बोला जाता है जंप सीटर्स. 39-year-old एंडी पीटरसन जो कि फ्लाइट इंजीनियर है वो पहले शख्स हैं जो इस फ्लाइट क्रू के जो है मेंबर
وہ ارائیو کرتے ہیں اس پلین کے اوپر. پیٹرسن جو ہے کیلوے کو دیکھ کے تھوڑا آشچرے ویکت کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد. My first thought was, well, scheduling has gotten, it's also called someone else out for the flight, and now we've got two engineers, so I said hey to him and then asked him if he was going to be riding out to San Jose with us, and he said he was, that he was going to ride the jump seat out. اور وہ جب پیٹرسن جب اپنی پری فلائٹ چیک کرتے ہیں تو انہیں کچھ اور دکھائی دیتا ہے جو کاکپٹ وائس ریکارڈر کا جو بریکر سوئچ تھا وہ آف پوزیشن میں تھا. وہ اس سوئچ کو پھر سے آن پوزیشن میں سیٹ کرتے ہیں. جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے جو کہ ریکارڈ کرتا ہے ساری ان فلائٹ کمیونیکیشن, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے انویسٹیگیٹرز کے لیے وین دے آر گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ این ایئر ڈیزاسٹر. اور جتنی بھی بڑی کمرشل پلینز ہوتی ہیں اس میں یہ ہونا ضروری مانا گیا ہے. The cockpit voice circuit breaker, it had popped out, which meaning the power's off to the cockpit voice recorder. So I'd never seen that before and I thought, well, that's kind of weird. پیٹرسن کے بعد آتے ہیں 49-year-old پائلٹ ڈیوڈ سانڈرز اور 42-year-old کو پائلٹ جیمز ٹکر. وہ دونوں پلین کو بورڈ کرتے ہیں اور دے پریپیئر دی پلین فار اے ٹیک آف. Mind if I hop around you guys, California? No, not at all. I don't see any problems today. Everything looks good. You play the guitar? I play at it. He was very cool, calm, collected, nothing indicating anything was amiss. Actually noticing there was a guitar case off to the right in front of the 9G net. But I couldn't wait to get in the cockpit and start going through cockpit checks because we had a lot to do. لیکن کچھ تو گڑبڑ تھی. پائلٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیلوے ہی اوریجنلی اس پلین کو لے کے جانے والے تھے. He was the original flight engineer of this flight 705. Lekin pichle hi din unke aur unke crew ne apne flying hours ko exceed kara tha sirf 1 minute se. So isliye un sab ko replace kiya gaya tha by the present crew. Aur phir bhi jo hai Callaway kisi na kisi tarah ye wali flight mein jana hi chahte the. I think she'll fly. Oh, not some bolts in. When I came back out on the airplane and went back up to the cockpit, I noticed that circuit breaker had popped out again. So I reset it and decided that I would see if it would stay in, instead of calling maintenance at that time, that I'd just wait and see if it popped back out, that I would call maintenance because that is a no-go item. اور اگر دوستو یہ کاکپٹ وائس ریکارڈر آف ہوگا تو کاکپٹ میں جو بھی آڈیو ریکارڈنگ ہوگی وہ نہیں ہو پائے گی. سینڈرز اور ٹکرز دوستو دونوں ہی ایکس نیوی تھے. سینڈرز پچھلے 20 سال سے فیڈ ایکس میں کاررت تھے اور ٹکر جو تھے وہ پچھلے 10 سال سے اسی کمپنی میں کار کر رہے تھے. You want to fly this leg of the trip, or do you prefer the return trip? You never know when you're going to get another chance. I met Jim Tucker that afternoon. Jim had been with the company for 10 years. In fact, he was an instructor in the DC-10. Andy Peterson and I had a trip together. In fact, we flew to Paris one time. ये तीनों जो फ्लाइट क्रू थे वो पहली बार एक साथ काम कर रहे थे. तीनों में से कोई भी कैलवे को नहीं जानता था और ना ही जानता था वो कारण जिसकी वजह से कैलवे इस प्लेन पे सवार थे. Express 705, heavy runway 27, clear for takeoff. Express 705, cleared for takeoff. Lights if you want them. I mean clocks if you want them. Lights are coming on. We'll get the vertical speed wheel here in a minute. How's the checklist look? All right, before takeoff is complete. Your airplane? Set standard power, please, before they change their mind. Power is set.
Got checks? V1, rotate. Positive rate. Gear up, please. FedEx ki flight 705 neele gagan mein ud chali hai. Aur wo apni California ki taraf paschimi disha mein chal padi hai. Aur jo mausam hai wo California tak bilkul saaf hai aur sab kuch theek raha as per schedule to wo wapas apne ghar pahunch jayenge 10 ghante ke andar. Lekin dusri taraf cargo area mein Callaway jo hai एक अलग ही प्लान बना रहे हैं वो प्लान जिस पे वो कई दिनों से काम कर रहे हैं और कई दिनों से उसमें उन्होंने बदलाव और चेंजेस किए हैं और जैसे वो बढ़िया चेस प्लेयर थे कैलवे ने सब अपनी मूव्स सोच के रख रखी थी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी कि उन्हें फ्लाइट 705 के क्रू से हटा दिया गया था लेकिन ऐसी कोई फिर भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी कि वो कोप नहीं कर सकते हो उस दिन सुबह अपने घर में कैलवे ने अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस किए थे जो फ्लाइट बैग उन्हें लेके जाना था इस फ्लाइट में वो रिपेयर के लिए गया हुआ था इसलिए उन्होंने अपने सारा सामान पैक किया था एक गिटार केस में क्योंकि वो जानते थे क्योंकि वो फेडएक्स के एम्प्लॉय हैं तो इसलिए उनको प्रॉपरली सर्च नहीं किया जाएगा थॉरली सर्च नहीं किया जाएगा और दूसरी बात कि वो गिटार केस जो है वो बहुत ही एक इनोसेंट सी चीज लग रही थी Here you have a man who made some accomplishments that no other African American had ever made. Callaway jo hai unhone graduation ki thi Stanford University se 1974 mein uske baad wo top navy flyer bane aur uske baad wo commercial pilot bhi bane lekin pichle 5 saal se jab se wo FedEx mein karyarat the wo ek फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे He was highly intelligent, a driven person to accomplish goals and had before him an opportunity of a tremendously positive career. He was married and had children and family and it just seemed as though he was almost part of the true American dream just about the American family. और सुबह घर छोड़ने से पहले कैलवे ने अपने बिस्तर पे छोड़े थे कुछ important documents और उसमें थी उसकी last will and testament. Memphis छोड़े FedEx की flight 705 को अभी कुछ ही मिनट हुए थे and it was still climbing through 5,300 meters. जो co-pilot थे James Tucker वो अपने खुद से ही प्लेन को उड़ा रहे थे and he was enjoying the afternoon sun. और वो use कर रहे थे controlled wing steering mode. Tucker के कुछ ही मीटर की दूरी पे बैठे हैं Orvin Callaway. जिनके पीछे थी frustrated expectations of a brilliant career and a marriage which almost ended in tears. 10 minutes? 9 and 2 is here. After takeoff is complete. और उनके दिमाग में चल रहा है एक बहुत ही खौफनाक प्लान जो उनका गिटार केस है it is packed with several hammers and a spear gun. और फ्लाइट क्रू की नजर से बचा के वो अपने वेपन्स को तैयार करते हैं और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें बहुत ही जल्दी काम करना पड़ेगा स्पीड एंड स्ट्रेंथ वुड बी अ क्रिटिकल फैक्टर कैलवे जो कि एक्स नेवी फ्लायर हैं और एक
मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं तो इसलिए स्पीड और स्ट्रेंथ तो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. The original plan was to take out his original crew, which would have only been two individuals. One was a female, much smaller than the crew that he wound up facing on Flight 705. No, I live in Fisherville. Fisherville, great spot. I had the cockpit door locked open, and I noticed that Calloway was walking up into the cockpit. I just caught him out of the corner of my eye and basically saw his his arm coming up, and I thought, well, he's just coming up to sit and talk with us for a while. Excruciating pain, blinding pain. So much, in fact, that I never lost consciousness, but I lost useful consciousness for at least 45 seconds. A blow to the head will rattle the brain. It will shake it enough that the electrical connections momentarily are not working, and it can be anywhere from a complete irretrievable loss of consciousness to simply a stun or to what he describes as a period of time where he was somewhat aware of what was going on but could not respond to it. I was slumped back like this, and he looked, I remember, right in my eyes as he passed over. It was almost probably like, well, the lights are on, but there's nobody home here. This guy is out of action, so I'll move on to the next person. Roo jo hai, it is totally in shock and is confused. What I saw was simply a face and his eyes and an object coming down at me. I didn't discern any emotion or hate or anger. I just saw a threat, and I didn't really know what the threat was because it's so shocking. And for a crew member who is a pilot in uniform to attack another pilot is unheard of in the airline industry. बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी टकर और पीटरसन जिंदा थे. कैलवे दूसरी तरफ जल्दी से कॉकपिट से बाहर निकल जाते हैं. And unaware of each other's injuries, the crew starts to mobilize. Calloway ke paas ek bahut hi khaufnak plan tha. Jo spear gun unhone bilkul cockpit ke bahar hi rakhi hui thi, it could be a very deadly weapon. Sit down! Sit down! Get back to your seats! This is a real gun, and I'll kill you! There was a loud ringing in my ear, and I was a little unbalanced. But I saw this spear gun, and I thought, well, the only thing I can do is try to grab it. So I grabbed the spear. It sticks out of the spear gun about, I don't know, 4 inches or so. So I grabbed it right behind the barbs and tried to hang on to it real tight. और तभी टकर वो करते हैं जिसके लिए कैलवे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. And he was not expecting this kind of a thing. वो अपने योक को पुल बैक करते हैं और प्लेन को डाल देते हैं इन अ स्टीप 15 डिग्री क्लाइम. और उससे क्या होता है दोस्तों, ये जो इंसान लड़ रहे थे आपस में, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द कॉकपिट इनटू द गैली. I had already figured out that what I had in my hands is probably one of the best weapons available, and that was the aircraft itself. टक्कर जो थे दोस्तों, खाली एक नेवी पायलट नहीं थे, वो एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने की A4 जहाज को उड़ाया था. और उनकी ये कॉम्बैट स्किल्स जो है बहुत ही बेशकीमती साबित होने वाली थी अगले कुछ मिनटों में. I was looking at this whole situation as if it was an air combat maneuvering situation. Get him! We're taught in the Navy and the fighter community as the first thing you want to do is engage the bogey, engage the bad guy. You make him predictable by engaging him, and you use his predictability then against him, and then you kill the bogey. Get him! लेकिन टक्कर खाली वहीं तक नहीं रुके. उन्होंने अपने प्लेन को एकदम रोल करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इन एन टोटली एक्रोबैटिक मैनर, जिससे कि कैलोवे को डिसआर्म कर दिया जाए
और जो है जो पीछे लोग लड़ रहे थे, पीछे जो आदमी आपस में लड़ रहे थे, वो भी रोल हो रहे थे towards the smoke screen on the left hand side. I knew that I had to do something very abrupt, very, very rough, and something that he would not be expecting. टकर को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि वो इस तरह जो प्लेन उड़ा रहे हैं उससे क्या वो सॉन्डर्स और पीटरसन की मदद कर पा रहे हैं टू डिसआर्म कैलवे और जो तीनों पीछे इंसान लड़ रहे थे वो भी जो प्लेन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही जा रहे थे एंड दे वर लूजिंग द फ्लाइट क्रू इन फैक्ट वाज लूजिंग ब्लड एंड स्ट्रेंथ. Tucker, meanwhile, continued to roll the plane while still maintaining a visual reference outside the captain's window. Get him, Andy. I got the airplane. Yeah, so you roll the airplane over on its back and pull through completely in the vertical. But at this particular point, if I'd rolled the airplane over on its back, I wouldn't really be able to see what I was doing. This is not a bubble canopy that you have over the top. You're actually looking out. It's got expansive windows, but nonetheless, you roll this airplane over on its back, you can't really see that much of what you're doing. So I rolled it to about 140 degrees where I could still see out over the side as the airplane's nose was starting to come through. Tucker uske baad roll karte hain this quarter million kilogram DC-10 aircraft 240 degrees almost on its back pe le aate hain us jahaj ko. Jitne bhi jo commercial aircrafts hote hain, they are not supposed to be rolled above 60 degrees. Peeche gallery area mein jo hai wo ladai continue chal rahi hai aur ab jo teeno insaan hai wo aapas mein lad rahe hain on the ceiling of the plane. कैलवे किसी तरह से वो जो हैमर है अपना फ्री कर पाते हैं और सॉन्डर्स को हिट करते हैं उनके सर के ऊपर. दूसरी तरफ टकर क्या डिसाइड करते हैं, ही पुल्स द योक बैक एंड पुट्स द प्लेन इनटू अ स्टीप डिसेंट. और जब वो एकदम स्टीप डाइव में प्लेन को डाल देते हैं, इट इज अ वेरी रिस्की मूव बट it is a very cunning move also. Jab plane ko dive mein dala gaya to g force of the dive has pushed these fighting men towards the smoke screen. Aur takkar is plane DC-10 se wo kar rahe hain jo ki jiske liye ki wo plane kabhi design hi nahi kiya gaya hai. Wo cheeze aisi aisi kartav is plane ke sath kar rahe hain jiske liye wo design hi nahi kiya gaya. कभी भी जो है DC-10 एयरक्राफ्ट को 695 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन टकर उस जहाज को उड़ा रहे हैं और उस समय उसकी स्पीड है तकरीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा. कभी भी हिस्ट्री में DC-10 एयरक्राफ्ट को इतनी तेजी से नहीं चलाया गया और फिर भी वो प्लेन सर्वाइव कर गया हो. The airspeed indicator was maxed. It was all the way to what we call the barber pole. Couldn't go any faster, but you could tell that you were going very, quite a bit faster because of things you don't normally hear in a jet that size. And one is the incredible amounts of sound of wind coming across the cockpit. The plane is almost to the supersonic speed. With the increased airspeed, the airflow above the stabilizers is disrupted. और जो प्लेन के जो एलिवेटर्स थे वो अब जो थे आगे पीछे मूव कर रहे थे. And if this movement became more pronounced, वो एलिवेटर्स काम करने बंद हो सकते थे और टकर के पास कोई मींस नहीं रहेगा टू ब्रेक दिस प्लेन कम आउट ऑफ द डाइव. If I didn't pull out soon, the airplane was probably going to come apart because I was getting into a phenomenon known as Mach tuck, where the airplane is pitching over because the airspeed is increasing so much. The
the wind flow over the surfaces of the wings is doing things that it's not even designed to do. टकर के जो लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेन में जो इंजरी थी वो पैरालाइज कर रही है उनके राइट हैंड साइड बॉडी के फंक्शंस. और वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि वो प्लेन इतनी जबरदस्त स्पीड से उड़ रहा है क्योंकि उस प्लेन के थ्रॉटल लीवर्स हैव बीन सेट ऑन ऑटोमेटिक क्लाइम सेटिंग फ्रॉम टेक ऑफ. प्लेन इस समय जबरदस्त वर्टिकल डाइव में है विद इट्स इंजन ऑन ऑलमोस्ट फुल पावर. और टकर को क्या करना पड़ेगा, एक ही हाथ जो उनका काम कर रहा है उसको योक से हटा के उसको थ्रॉटल पे जाके उन थ्रॉटल्स को ही हैज टू नाउ पुल बैक. और जबकि पावर विच इज रिड्यूस्ड टू आइडल DC-10 अभी भी खतरे से बाहर नहीं है. टकर ने ये सब इतने जबरदस्त मैनूवर किए थे प्लेन के साथ लेकिन फिर भी दूसरी तरफ कैलोवे जो थे वो जीत रहे थे उन दोनों इंसानों से. Calloway hit me with the third blow, which was in the top of my head, nearly rendered me unconscious. I began to gray out. At that very same time, it occurred to me we might lose this thing. और जबकि अब टकर बहुत ही धीरे धीरे प्लेन को इस वर्टिकल डाइव से बाहर निकाल रहे हैं तो जो द फ्लटरिंग ऑफ द एलिवेटर्स इज नाउ इंक्रीजिंग. बैलेंस पैनल्स द काउंटरवेट विच हेल्प द पायलट मैनूवर द एलिवेटर्स ब्रेक फ्री नाउ एंड बिगिन टू रिंकल द स्किन ऑफ द स्टेबिलाईजर. और टकर के मन में इस बात का डर है इफ ही पुल्स बैक टू फास्ट ड्यूरिंग द डाइव तो ऑल दी सर्विसेज जो प्लेन के पिछले भाग में है वो सब टूट के गिर जाएंगे. सॉन्डर्स की जो ताकत है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. दूसरी तरफ पीटरसन जो है ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली फ्रॉम दिस डैमेज टेम्पोरल आर्टरी लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने अटैकर को सबड्यू कर पाते हैं. The G forces began to be reduced as he began to level off from pulling out of the dive. I saw the hammer in Calloway's hand. I then reached for the hammer with both my hands and pulled the hammer out of his hand. Saunders को लगता है कि this was the turning point. दूसरी तरफ प्लेन भी अभी हाल फिलहाल के लिए सुरक्षित है. जब ये आक्रमण शुरू हुआ था उसके एक मिनट के बाद टकर को फाइनली एक चांस मिलता है और वो मेम्फिस एयरपोर्ट को रेडियो करते हैं. सेंटर इमरजेंसी. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर केंट फ्लैशमैन और उनकी ट्रेनी रिसीव करते हैं टकर की ये इमरजेंसी रिक्वेस्ट. एयरक्राफ्ट इमरजेंसी से अगेन. एयरक्राफ्ट इमरजेंसी से अगेन. लिसन टू मी. एक्सप्रेस 705. आई हैव बीन वाउंडेड. वी हैड एन अटेम्प्ट टू टेक ओवर अबोर्ड द एयरप्लेन. कैन यू वेक्टर प्लीज बैक टू मेम्फिस एट दिस टाइम. हरी. एक्सप्रेस 705 फ्लाई हेडिंग 0905 डायरेक्ट मेम्फिस. 095 डायरेक्ट टू मेम्फिस. Get me an ambulance and alert the airport facility. Hey, Memphis, you still with me? Affirmative 705. Descend and maintain 10,000. Fleshman takes action in case the attacker has the gun. अगर वो किसी तरह प्लेन को 3,000 मीटर से कम की ऊंचाई पे ले आते हैं तो अगर कोई बुलेट होल भी होगा तो फ्यूसिलाज में तो तब उसकी वजह से सीवियर डीकम्प्रेशर नहीं होगा प्लेन. दूसरी तरफ टकर फिर से सुनते हैं लड़ाई इंक्रीज होते हुए इन दी गैली एरिया और वो अपना फिर से हथियार यूज करते हैं और वो हथियार जो उनके पास है वो है उनका एयरक्राफ्ट. Ah!
This maneuver freezes the men on the side of the aircraft. Let go of the spear! Look, just keep talking to me. Okay? Express 705, affirmative. If you need an ambulance, stand by and we'll get that for you. Yeah, we need an ambulance and... We need armed intervention as well. Make sure and notify the SWAT team he's asking for armed intervention. और फ्लैशमैन ये भी जानते हैं कि अगर कोई पायलट आर्म इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट करता है तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रिक्वेस्ट व्हिच इज बीइंग मेड बाय द पायलट. इसका मतलब होता है कि पायलट वांट्स सम आर्म्ड फोर्सेस टू स्टॉर्म द प्लेन व्हेन इट इज लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट. और इस सिचुएशन में मेम्फिस अप्रोच हैड टू बी अलर्टेड. We have an emergency, Express 705. He's had an attempted takeover on the aircraft. He's had an attempted takeover? Okay. Radar contact, put him on 119.1. Paul Handelino, jo ki 44 years old hai aur ek bahut hi experienced flight controller hai, wo apne radar screen pe dekhte hain FedEx ki flight 705 ko. Lekin unhe lagta hai कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि प्लेन एयरपोर्ट की तरफ ना आके किसी और दिशा में ही जा रहा था और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया हो. फ्लाइट कंट्रोलर्स जो हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हैं, दे आर वॉचिंग हेल्पलेसली एज द प्लेन मूव्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट. और उस दूसरी तरफ प्लेन में जो है द फाइट कंटिन्यूज टू गेन द कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट. जो को पायलट है जेम्स टकर, ही हैज बीन पुशिंग द DC-10 टू इट्स लिमिट्स. और अब वो क्या करते हैं, ही फ्रीजेस द व्हील अराउंड थ्रोइंग दिस मैसिव एयरक्राफ्ट इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. टाका जो है अपना सारा मिलिट्री एक्सपीरियंस इस फ्लाइट को उड़ाने में लगा रहे हैं एंड ही इज कीपिंग हिज मैनूवर्स जो है बिल्कुल भी भनक नहीं लगना दे रहे किसी को भी कि अगला उनका मूव क्या होगा और वो इस प्लेन के साथ क्या करेंगे. Here I am all alone in the cockpit. The fight is still going on in the back. I don't know who's winning, I don't know who's losing. That was about the only time I really had time to be frightened, and it was a very horrifying situation at that point, thinking that quite possibly Auburn was winning. Attack shuru hone ke 3.5 minutes baad Calloway, jo ki injured ho chuke hain and he has been pinned down, lekin fir bhi wo spear gun pe apna control nahi chhod rahe hain. The anger was coming in then, and so when I hit him, it was with the intent to disable him and eliminate his ability to fight. Not kill, but to injure him sufficiently that he could fight no more. So when I swung the hammer, it was with all the strength that I had. Saunders or Peterson jo hai kisi tarah thoda bahut control gain kar pate hain कैलवे के ऊपर. सॉन्डर्स जो है चिल्ला रहे हैं, टकर को बुला रहे हैं कि वो आके उनको मदद करें, लेकिन वही तो अकेले इस प्लेन को उड़ा रहे हैं इस टाइम. I've contact Memphis approach on 119.1. They are aware of your emergency. Jim, quick Jim. Request a single frequency approach. Single frequency approach, Roger. We'll pass that along. 119.1. Put it on autopilot. Come on, Jim. Come back here. But you have to understand that that's probably the strangest request that I've ever had, you know, come my way, because here I am, the only one up front in the cockpit now, and for me to go ahead and get up and go to the back means I've got to, first of all, stand up, which I didn't know until the particular time that I tried to stand up. It was very, very difficult to do so. Takar jinka ki fractured skull hai aur unki aadha sharir hi ab kaam kar raha hai. He puts the plane on autopilot and tries to struggle out of his
seat to help his colleagues. Hey, wait a minute, I'm coming. अब जो है कोई भी प्लेन नहीं उड़ा रहा है. Okay. 705 heavy, how do you hear? क्योंकि जो प्लेन के जो जायरोस थे, they have not stabilized sufficiently for the autopilot to take over. दूसरी तरफ पॉल कैंडेलिनो FedEx की फ्लाइट 705 से कॉन्टेक्ट स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है. वो अपनी रेडार स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि प्लेन पहले उत्तर दिशा में बढ़ा, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ा और फिर फाइनली दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ गया, अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट. सिर्फ खामोशी ही खामोशी मिल रही थी उन्हें. प्लेन के ऊपर कुछ भी हो सकता था उस क्षण. So I stepped into the forward cargo area. I was absolutely amazed at what I was seeing. All three of the individuals are completely covered with blood. Auburn Calloway on his back. There are papers everywhere in the back. You can see where the jump seats, which is just a normal commercial airline seat, has had the covers torn off. There's bloody footprints on the top of the ceiling. There are coats that have come out of closets. It's total carnage in the back. Sanders ने जो है Calloway से को disarm करने के बाद Tucker को वो दे देते हैं spear. You move, I'll kill you. You keep him contained. I'm going to get the airplane. Go get the airplane. और दूसरा वो डिसाइड करते हैं उसके बाद कि सॉन्डर्स ही प्लेन को उड़ाएं वापस मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ. टकर जो है वो चाहते हैं कि जितने भी हथियार हैं उनको Calloway से एकदम दूर ही रखा जाए, और वो सॉन्डर्स को बोलते हैं कि वो इन सब को वापस कॉकपिट में ही ले जाए. In an emergency situation, it's expected that the captain of the airplane will fly the airplane. I was in somewhat of a daze because of the fight. I wasn't sure of the direction of the airplane. I wasn't sure of the condition of the airplane, but it appeared to be flying okay. I was bleeding excessively from the top of my head. I couldn't see out of my left eye. I thought the fight was over. I mean, I had hit Calloway four times in the head with a 20-ounce framing hammer as hard as I could swing it. He had stopped fighting. And he was bleeding, and he looked like he was severely injured. Tucker अब ये भी नहीं बता पा रहे थे किसी को कि वायद कि वाके में कि वो उन्होंने स्पीयर को पकड़ भी रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि जो उनके दिमाग पे सिर पे जो ब्लोस मारे थे हैमर से Calloway ने, उससे जो था उनके दिमाग में एक क्लॉट जम गया था, which had damaged his sense of touch. Calloway के जो सिर पे कितने ही चोटों के निशान थे, लेकिन फिर भी उन पे भरोसा नहीं किया जा रहा सकता था, और दोनों ही पायलट ये बात भी जानते थे कि उनकी ताकत भी खत्म ही हो रही है. Thunders जो कि वापिस अपनी सीट पे आ चुके थे, उनको इस जहाज को किसी न किसी तरह शीघ्र तय शीघ्र जल्दी से जल्दी जमीन पे उतारना था. Memphis, can you hear me? Is this Express 705 heavy? 705 heavy, yes. Express 705 heavy, Memphis. Roger, I do hear you. You can proceed direct to Memphis if able. Expect runway 9er. The altimeter is 30.29er. You understand we're declaring an emergency. We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. Captain Saunders, जिन्होंने अभी अपना चश्मा नहीं पहन रखा है, और दूसरी बात उनकी आंख में भी खून टपक रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो वापस एयरपोर्ट की तरफ ही हैं, लेकिन जो प्लेन है वो एयरपोर्ट से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, और वो भी उस स्पीड पे जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा है. Roger.
Express 705 Heavy, is the situation under control or is it still in progress? We appear to have it under control. कैंडेलिनो जो है पायलट को वार्न करना चाहते हैं लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि शायद जो क्रू है अभी भी अंडर अटैक होगा और वो अपने अटैकर्स को मिसलीड कर रहे होंगे बाय गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. Express 705 Heavy, are you able to turn toward the airport? Yeah, give me a vector. 100 vector Memphis. Saunders अब प्लेन को ऑटोपायलट से हटाए हैं और वापस मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ अपना DC-10 एयरक्राफ्ट मोड़ देते हैं। We're turning to the airport now. अभी तक तो कुछ क्षण के लिए सिचुएशन इन द DC-10 एयरक्राफ्ट सीम्स टू बी नॉर्मल अंडर कंट्रोल लेकिन अ पोटेंशियल डिजास्टर इज जस्ट सम टाइम अवे. दूसरी तरफ मेम्फिस एयरपोर्ट पे सारी इमरजेंसी सर्विसेज एकदम पोजीशन में अपनी आ जाती हैं। We need security to meet the airplane. We'll stop on the runway if we can. एक FedEx का प्लेन इज अबाउट टू लैंड एट द एयरपोर्ट और जबकि उसमें सवार जो तीनों फ्लाइट क्रू हैं वो पूरी तरह घायल हो चुके हैं और एक इंसान ने उसको हाईजैक करने की भी कोशिश करी थी. पैरामेडिक डेविड टीग इज अमंग द फर्स्ट टू गेट द कॉल. दे केम ओवर द लाउडस्पीकर सिस्टम फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर एंड आई वाज न्यू टू द एरिया सो आई वाज़न्ट एबल टू अंडरस्टैंड देम रियल वेल बट आई गॉट द वर्ड्स हाईजैकिंग एंड सम अदर स्टफ एंड वाज एडवाइज्ड दैट देयर हैड बीन अ हाईजैकिंग ऑन एन एयरप्लेन. And then dispatched us out to the runway where the plane was going to be landed. ये प्लेन मुड़ तो रहा है towards the safety of the Memphis airport, लेकिन उसमें भी वहां पे भी एक जबरदस्त प्रॉब्लम है. जो लैंडिंग वेट होना चाहिए एक जहाज का लैंड करते समय उससे इस जहाज का वजन 16,000 किलो ज्यादा है और इसमें अभी तक 38,000 किलो फ्यूल भी है जो कि बचा हुआ है. किसी और इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट्स के पास टाइम होता है और अपॉर्चुनिटी होती है टू डंप दिस एक्सेस फ्यूल लेकिन सॉन्डर्स ये जानते हैं कि जो लीवर्स और स्विचेस हैं वो काफी दूर हैं उनसे और वो सेफली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे उनको इस सिचुएशन में. You'd have to get up and go back to the engineer's panel where the fuel dumping switches are and set up the engineer's fuel panel to dump fuel. So it's virtually impossible for, say, the captain to dump fuel while he's attempting to fly the airplane. दूसरी तरफ कैलवे ने अभी भी हार नहीं मानी है. वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं अभी भी फाइट बैक करने की और वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अपनी बॉडी टुवर्ड्स दी जंपर सीट और उनके ऊपर हैं टकर और पीटरसन. वो कोशिश कर रहे हैं कैलवे हर संभव कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अपने पैरों पे वो खड़े हो सके जहां पे कि उस पोजीशन में उनको फिर से एडवांटेज मिल जाएगा इन दोनों घायल साथियों के ऊपर. He was using his thumbs to go ahead and try and push my eyes out, doing everything he possibly could to break Andy and I down as a team. You know, we could handle them together, but we certainly couldn't handle it one-on-one. It's certainly a fight against the clock. Auburn's getting stronger. I know we're getting weaker. I knew if he ever got back in the cockpit, we were history. I just knew we had to keep him. Somehow, we had to keep him from getting back in that cockpit. Approaching 7,000 feet, the fight in the back started again. And it was as violent and as loud as when I was in the back in the midst of the fight. It became so violent and loud that approaching 7,000 feet, I decided that I was going to level the airplane, turn on the autopilot, go to the back of the airplane, and kill Calloway. It was so severe, I thought that had to be done. उस प्लेन से मेम्फिस एयरपोर्ट जो था वो 40 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गया था
और सॉन्डर्स को जानते थे कि उनको किसी न किसी तरह ये लड़ाई शीघ्र शीघ्र खत्म करनी है। I released the seatbelt, climbed out of my seat, headed to the back of the airplane, and Jim Tucker said to me, David, I think we have him under control now. I said, are you sure? Yeah, he is. He said, I think we have him under control. I went back to the seat, climbed into the left seat of the airplane, continued the descent on down toward the airport. Express 705, have you verified the situation is still under control? Yeah, it's sort of under control. Wind is 0305, clear to land runway 9er. Clear to land. ये जो डिले हुई थी जिसकी वजह से सॉन्डर्स एक बार अपनी सीट को छोड़ के पीछे मदद करने गए थे, उसकी वजह से क्या हो गया है दोस्तों कि प्लेन जो है बहुत ऊंचा है और बहुत तेजी से चल रहा है और वो अब जो प्लेन को है उतनी जल्दी से स्लो डाउन नहीं कर पाएंगे और उनका प्लेन जो कि ऑलरेडी ओवरवेट है इस सिचुएशन में he would not be able to slow down the plane in time for a landing at runway 19. I'm coming around to 36 lefts. Runway 36 left जो था वो runway 19 से तो लंबा था, runway 36 left जो था 2800 मीटर का था और वो जो runway था 36 left वो इनके flight plan से एकदम perpendicular दिशा में था और अगर इनको सॉन्डर्स को उतारना है अपना जहाज उस रनवे पे तो उनको कई सारे टर्न्स लेने पड़ेंगे। वो जो मैन्यूवर करेंगे वो एक फाइटर पायलट फाइटर प्लेन के लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी, लेकिन एक ओवरवेट DC-10 और उसके ऊपर से एक घायल पायलट के साथ ये मैन्यूवर जो था बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। पहले सॉन्डर्स को लेना था एक 90 डिग्रीज का राइट टर्न और इस रनवे के पैरेलल उड़ना था और उसके बाद बहुत ही शार्प 180 डिग्रीज का टर्न लेना था उन्हें। ओके, एक्सप्रेस 705 हेवी, रनवे 36 लेफ्ट, क्लियर टू लैंड, क्लियर विजुअल अप्रोच 36 लेफ्ट, विंड इज 050 एट 8. बैंक एंगल। जो कंप्यूटर वार्निंग्स उन्हें मिल रही थी उनको सॉन्डर्स को बिल्कुल इग्नोर करना था एंड ही हैड टू पुश दिस DC-10 एयरक्राफ्ट टू इट्स बियॉन्ड इट्स ऑपरेटिंग लिमिट्स और अब जो था प्लेन वाज ऑलमोस्ट ऑन इट्स साइड्स। ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट टर्न्ड इट अप ऑन हिज विंग टिप, लुक लाइक अ फाइटर जेट एंड पुट इट इन अ रियल टाइट टर्न एंड देन डिसअपीयर्ड डाउन बिहाइंड द टर्मिनल व्हेन ही गॉट डाउन लो एनफ वी कुडंट सी हिम. And at first I thought he might have crashed because there was some construction going on the airport at that time, and there was some smoke coming up south of the terminal, kind of where we were going. दूसरी तरफ पीछे गैली में एक हथौड़ा पड़ा हुआ है और तीनों इंसान हर संभव कोशिश कर रहे हैं उस हथौड़े तक पहुंचने की। ये जो है कैलोवे के लिए आखिरी चांस हो सकता है। सॉन्डर्स ने 90 डिग्रीज का टर्न ले लिया है दक्षिण दिशा में एंड इन दी डाउन विंड लेग एंड ही इज फ्लाइंग पैरेलल टू दी रनवे 36 लेफ्ट। द एयरप्लेन वाज प्रोबेबली एट अबाउट 300 feet above the ground at that time. The throttles are at idle. They've been at idle since I left 7,000 feet. That's an extremely unusual engine power setting to land a big airplane. You always land, make the approach with power on, a lot of power on. In this case, it was at idle because I wanted the airplane to slow down so that we'd not exceed the limits of the landing gear and the flaps, so that we would touch down at or below 195 knots. सॉन्डर्स का जो जहाज है उसके जो लैंडिंग गियर है वो डाउन हो चुका है और फ्लैप्स जो हैं पूरी तरह एक्सटेंड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत फास्ट डिसेंड कर रहे हैं
and he has also been bombarded by the computer warnings which are coming automatically. जो रनवे 36 लेफ्ट था वो दोस्तों 2800 मीटर लंबा था और एक DC-10 को सिर्फ 1900 मीटर ही रनवे चाहिए होता है टू स्टॉप, लेकिन क्योंकि ये प्लेन बहुत ज्यादा भारी भारी था और बहुत ज्यादा फ्यूल था तो हो सकता है 2800 मीटर का रनवे भी इस पर्टिकुलर जहाज के लिए इस सिचुएशन में छोटा पड़ जाए। दूसरी तरफ कैली में पीटरसन जो है पहली बार इस लड़ाई में उस हथौड़े तक पहुंच पाते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस। You gotta hit him, Andy. You gotta hit him. I was almost like pleading with him, and I told him, I said, Andy, you know, you gotta hit him. You know, he's about ready, you know, to take us down. And I guess I gave him kind of a blank stare of, you know, what are you talking about? And he looked at me real stern, like a father would look at his son, saying, you've got to do this. And he said, hit him. जो DC-10 एयरक्राफ्ट था वो रनवे से कुछ ही मीटर ऊंचा उड़ रहा था और स्पीड उस समय उसकी थी 382 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉन्डर्स यही होप कर रहे थे कि वो अपने टायर को ब्लो आउट ना कर दे या वो क्रैश ना कर दे अपने जहाज को रनवे के पार, लेकिन किस्मत की बात कही है कि सारे जो 10 के 10 टायर थे इस प्लेन के, दे वर एबल टू विथस्टैंड दिस लैंडिंग प्रेशर। और कैप्टन सॉन्डर्स जो है वो अपने प्लेन को रोक पाए थे सिर्फ 300 मीटर रनवे के खत्म होने से पहले। जो तीनों फ्लाइट क्रू हैं ऑफ दिस फेडएक्स फ्लाइट 705 आर on the ground, have landed their plane on the ground, but they are still not out of danger. Blow the door! The chute is covered with kind of a talcum powder, so it won't stick when it needs to be deployed, but it made it slick trying to go up. The police and firemen tried to climb up the slide. One fireman made it almost all the way to the top, and I leaned out the door of the airplane and pulled him on board. Who's the bad guy? That's the attacker. There was blood all over the floor, all over the ceiling. The seats in the little area were just covered with blood. You got any handcuffs? If not, you better get some, because that son of a bitch is still dangerous. I need handcuffs. Can you throw me some handcuffs? Teague is thrown a pair of handcuffs. Stand here in the middle of the chain. Ouch! Get your foot off! You're hurting me! Ow! Saunders जो है, he holds Callaway down. Teague जो है, जिनको कि handcuffs भेजे गए थे ऊपर, and he is the first person to reach the to board the plane. In fact, he examines Peterson. जिसमें कि जिनके के पास अब कोई उनकी नब्स भी नहीं नजर आ रही थी कीग को, एंड ही इज द फर्स्ट फ्लाइट क्रू टू लीव दिस एयरक्राफ्ट। सॉन्डर्स जो थे वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने इस प्लेन को छोड़ा था। स्टैंडिंग इन द डोर ऑफ द एयरप्लेन आई हैड अ सेंस ऑफ यूफोरिया आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर सिंस। इट वाज द सेंस ऑफ वी हैड बीन देयर and we came back and we won. And due to the strength and courage of its crew, the FedEx
DC-10 aircraft had safely landed home. In Tino, flight crew ne withstand kiya tha is this determined attack from a co-worker aur Tino jo the kafi zakmi ho chuke the. Tucker jo the unke dimag mein ghus gaye the some bone chips aur Andy Pearson jo the unki halat to bahut hi nazuk thi because of the tremendous amount of blood loss. In dono ki halat jo thi bahut hi nazuk thi aur jo wounded men the they were rushed to the regional medical center at Memphis. Jo captain the Saunders, he shares an ambulance with Tucker. और अब इसी राइड के दौरान ही वो जान पाते हैं और समझ पाते हैं the extent of severity of the injury of his co-pilot. टकर को इमरजेंसी में लिया लेके जाया जाता है on a stretcher. Saunders जो है उनको भी मदद मिलती है लेकिन कम से कम वो अपने आप चल तो पा रहे थे. दूसरी तरफ कैलवे जो कि खुद भी घायल हो चुके थे काफी एंड ही वाज नाउ सबड्यूड टोटली उनको भी उसी इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाया जाता है और सबके दिमाग में एक ही जो सवाल था वो ये था कि आखिरकार क्यों कैलवे ने अपने साथियों पे ही अटैक किया था और उसके बाद धीरे धीरे पूरी कहानी सबके सामने आई. कैलवे जिनको कि 1990 में डाइवोर्स हो गया था उनका और वो फिर भी डाइवोर्स के बाद भी अपनी एक्स वाइफ और दो बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे. वो चाहते थे टू सिक्योर द फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ these three former family members of his. He was very interested in the welfare of his children, very interested that they not live the kind of childhood he had lived. Evidence for a suicide mission against FedEx increased jabki investigators ne jab is jahaj ko search kiya to unhe ek letter mila jo ki Kalaway ne apni ex-wife ke naam likha tha. Dear Pat, I want you and the kids to know that I lived for you. I thought of your welfare every day. Though, for example, how can I guarantee having enough money for Keela and Bernie's Stanford education? He was obsessed with his financial well-being. He was interested in his children. I tend to believe he was interested in his marriage. And I know his marriage was coming apart, or had come apart, basically, at the time of this incident. But I suspect he was also a difficult man to be married to. April 7, 1994 तक आते आते कैलवे को शायद लग गया होगा कि उनका अब करियर भी खत्म होने वाला है. उनके लिए जिंदगी एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट बनती जा रही थी. पहले उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद उनके बच्चे जिनको कि वो यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पा रहे थे और उसके बाद उनका करियर जो he was a brilliant fighter pilot जो कि he had ended up being a flight engineer on a cargo plane और शायद वो भी उनका जॉब छीनने वाला था उनसे क्योंकि अगले ही दिन उनको रिपोर्ट करना था एक FedEx की इंक्वायरी कमिटी के सामने क्योंकि वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. उन्होंने कुछ कंपनी को फॉल्सिफाइड reports di thi. During our investigation, it appeared that he had overestimated the number of hours of flight experience that he had, and that the company was taking a look at this. Kalaway ko aise lagne laga tha ki shayad unka job bhi unse chhin jayega aur unki umar us samay 42 years thi aur unko lag raha tha ki unka professional career ab samapti ki or badh raha hai. And uske baad he came up with this solution. The goal is to leave my children well off. The goal is to escape, I guess, the pain of this life.
I can't continue to participate in his life and still leave them well off because I'm fixing to lose my career. And I won't have the ability to provide for them like I'd like to. But my life has value if it's given in an accident. Kelly, क्या करते हैं उनको जितने भी funds मिल सकते थे उनको cash करते हैं और अपनी ex-wife के नाम एक check भेजते हैं $54,000 का. लेकिन उनकी जो life insurance थी वो it was worth $2.5 million कि अगर उनकी death हो जाती है in a work-related accident में. I would much rather go on a date, time, place, and a method of my own choosing. I resolved some time ago that the next time my security and future is threatened or seriously jeopardized, it's time. My time to go. और कैलवे को ऐसा भी लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा कि अगर वो प्लेन को किसी तरह क्रैश कर पाए तो और अगर ये कैलवे का खुद का आइडिया था तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग करी थी. उन्होंने अपने साथ बहुत ही अनयूजुअल इक्विपमेंट्स लिए थे. उन्होंने अपने साथ लिए थे हैमर्स और स्पीयर गन. हो सकता है कि अगर वो बम यूज करते या गन यूज करते तो इसके बाद जो था कुछ निशान वो छोड़ जाते, लेकिन इसका इन इक्विपमेंट्स को यूज करने का ये उनका मकसद था कि कोई पीछे निशान ना छोड़ पाए और वो प्लेन और वो फ्लाइट क्रूज को इंजर करने के बाद प्लेन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे. I believe it would have been impossible to tell the difference in the type of injuries that a hammer would have made with the type of injuries that you might sustain in a large crash. Auburn had spent the week leading up to this incident preparing to die and basically get his affairs in order. कैलवे दोस्तों जहाज बोर्ड करने से पहले एक वकील के पास भी गए थे और उन्होंने अपनी विल में कुछ बदलाव किए थे. He left his will and testament on his bed so that it would be easily found. किसी क्रैश को एक एक्सीडेंट साबित करने के लिए एक बहुत ही उसमें अगर करना चाहे कोई तो उसमें एक बहुत ही की ऑब्स्टिकल था और वो था प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो कि कॉकपिट में होने वाली सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है और अगर वो स्विच ऑफ कर दिया जाए किसी कारणवश तो कॉकपिट में होने वाली कोई भी कन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी. I think she'll fly. Well, all the nuts and bolts in there. Yeah. अगर पीटरसन अपने प्री फ्लाइट चेकअप में ये डिस्कवर भी कर दे कि वो स्विच ऑफ है तो इट वुड बी अ सेटबैक. लेकिन कैलवे ये जानते थे कि उनको सिर्फ आधे घंटे और प्लेन उड़ाना पड़ेगा कि उसके बाद जो है एनी इनडिस्क्रिमिनेटिंग जो रिकॉर्डिंग्स होगी वुड बी गॉन फॉरएवर फ्रॉम दिस रिकॉर्डर. Now I think he was going to do something very very horrible with it. Something along the lines of what we've seen on 9/11. क्योंकि उसकी लेंथ ही दोस्तों आधे घंटे की होती है टेप्स की. और अगर कैलवे किसी तरह इस प्लेन पे कंट्रोल गेन कर पाते तो इस प्लेन में जिसमें कि इतना ज्यादा मात्रा में फ्यूल था उसको वो किसी भी अपनी मनचाही जगह पे उस प्लेन को क्रैश कर सकते थे और हो सकता है कि वो फेडेक्स का जो हेडक्वार्टर्स था उसी पे जाके क्रैश कर दें अपने इस DC-10 एयरक्राफ्ट को जिससे कितने ही लोग मारे जाते और जो कंपनी है वो बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाती. ये हो सकता है उनके लिए एक अल्टीमेट रिवेंज हो जिससे कि वो चाहे अब कंपनी से लेना कंपनी ने उनके खिलाफ जो भी इनजस्टिसेस करी होंगी उसका हो सकता है ये अल्टीमेट बदला हो उनके द्वारा. The company may never have
figured out exactly why that airplane crashed back into the hub. Well, after 9/11, there were a lot of improvements to our security program, both in the United States and worldwide. Our cockpit crew members are the most highly checked and monitored group of people in the world. I only know of this one incident in my 46 years of aviation experience where a crew member was involved in something like this. FedEx ki flight 705 jo thi sirf aadhe ghante hi hawa mein thi, lekin us aadhe ghante ka jo prabhav hoga wo kitne hi saalon tak logo pe bana rahega. He was convicted of attempt aircraft piracy, an offense that carried a minimum of 20 years confinement and up to life in prison. Although Calloway pleaded temporary insanity at his trial, lekin jury ne unki baat nahi mani and he was convicted. August 11th, 1995 ko he was sentenced to life imprisonment aur uske paas parole ka bhi koi chance nahi hai. The pilots on flight 705, they are the real heroes. It is amazing that they were able to do what they did given the injuries that were inflicted upon them. When someone's struck with a hammer on the skull, there can be linear radiating cracks that go out on the skull, and then if it's hard enough, there may well be indriven bone right at the site where the hammer head hits the skull and drives it into the skull. This is a replica of my skull cap. It was put together by use of a CAT scan protocol to give the proper shape of my skull and also the shape of the defect that we're dealing with here. This is the area that I was hit on the left parietal. For a year and a half, I was actually walking around in this configuration. It took 2.5 years to recover completely because I had to learn how to walk, talk, and chew gum all over again. I had 3 major operations. I operated on him twice more after his initial injury and then followed him through his rehabilitation. They can fashion a piece of material to fit the exact size of the defect, the shape of the skull, and of course the thickness of the skull as well. It's a blown acrylic called an HTR or hard tissue replacement. He had difficulty with speech, difficulty with sensation and motor strength on the right side, and he came back to where he can now probably, if he wanted to, break my fingers with a handshake. May 26, 1994, ye tino jo flight crew members the of the FedEx flight 705 were awarded the gold medal by the Airlines Pilot Association. Aur unko ye award mila tha for heroism. Aur ye highest award tha jo ki ek civilian pilot ko mil sakta tha. Lekin jo injuries in tino ne sustain kari thi, uski wajah se tino mein se kisi ko bhi medical certificate nahi mil paya ki which declared them fit to fly commercially. I always thought, I'm going to fight, I'm going to overcome this thing. Except that that's when they found out that I had a slight seizure disorder. I'm seizure free, but it's because I had to take medication. And the only way for me to be able to fly without somebody with me is to be off of medication. At this particular point, it's been ascertained that I'll never be able to do that. I'll be on medication for the rest of my life. I miss the flying. Every time I see an airplane go over, I wonder where it's going. So I miss that part of it. But I really cherish the fact that, I'm still alive and able to be with my family. The bond of pilots and what you do together in the airplane and outside the airplane and all that, I miss that. I miss it very much. So
So, दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड. आप सुन रहे थे आपका फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स, जो कि आ रहा था आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 7th अप्रैल 1994 की एक घटना, द अटेम्प्टेड हाईजैकिंग ऑफ द फेडएक्स फ्लाइट 705. अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको ये शो पसंद आया होगा, और आप अगर चाहें मुझे फीडबैक देना अपना, तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhamri.r@gmail.com. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और शो होगा आपका फिर वही फेवरेट चिर परिचित शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स. और करेंगे हम उस शो में चर्चा किसी और नई दुर्घटना डिजास्टर की. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शाबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.